उत्तरी भारत का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर में विधिवत रूप से संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता की अध्यक्षता भी की और विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इससे पहले महेंद्र सिंह ठाकुर ने परम्परा अनुसार लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से निकलने वाली मेले की जलेब की अगुवाई की। समापन अवसर पर अपने संबोधन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन्हें हम सबको मिलकर संजोए रखना है। साथ ही उन्होंने मेला आयोजक समिति को मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के विधायक युवा कर्मठ और जुझारू हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए देवता मेले को स्थानीय विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया है, जो कि विधायक राकेश जम्बाल के कुशल शैली का प्रतीत है। साथ ही उन्होंने मंडी वासियों को मंडी से मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडी वासियों का सौभाग्य है कि जयराम जैसे ईमानदार व पार्टी के वरिष्ठ नेता को केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है। उन्होंने मंडी वासियों से अपील की है कि सभी सरकार का सहयोग दें और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों को मजबूत करें ताकि मंडी जिला लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व कर सके। इससे पूर्व मुख्य अतिथि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को मेला समिति की ओर से परंपरा अनुसार पगड़ी बांधी गई और मेला समिति के अध्यक्ष एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल ने मुख्य अतिथि और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप सबके सहयोग से मेले को और सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मेला समिति के सभी सदस्य, सुंदरनगर मंडल के सभी अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। न मात्र हिमाचल प्रदेश का बल्कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला है। इस मेले के आयोजकों को और विशेष करके इस क्षेत्र के युवा नौजवान विधायक जिन्होंने इस मेले का आयोजन शुरू से लेकर के आज तक जो इस तरीके से किया है, मैं अपनी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से इनको जहां हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं मेरा सभी भाई बहनों से विनम्र आग्रह रहेगा कि ये मेले ये त्योहार के रूप में हम अपनी संस्कृति को संजो करके रखें।